वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगी। सीतारमण एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारतीय इतिहास में देश की दूसरी सशक्त रक्षा मंत्री बनकर अपना नाम दर्ज कराया है। फिलहाल वो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाल रही हैं। 18 अगस्त 1959 में तमिलनाडु के मदुरई में जन्मी सीतारमण ने सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमी में डिग्री हासिल कर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। इसी दौरान निर्मला सीतारमण की मुलाकात डॉक्टर परकाला प्रभाकर से हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। कुछ समय तक निर्मला सीतारमण पति के साथ लंदन में रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लंदन के एक होम डेकोर में सेल्स गर्ल का काम भी किया था। बाद में उन्होंने बतौर इकोनॉमिस्ट काम करना शुरू किया। निर्मला नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की सदस्य भी रही हैं। पति डॉक्टर परकाला प्रभाकर कांग्रेसी परिवार से आते थे। 1970 में कांग्रेस सरकार में परकाला के पिता आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार में मंत्री रहे और माँ कांग्रेस की विधायक भी रही। बाद में परकाला प्रभाकर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में निर्मला सीतारमण का झुकाव बीजेपी की तरफ शुरुआत से ही रहा। 2008 में निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने गुजरात की राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद निर्मला सीतारमण को दिल्ली में काम करने का मौका मिला। 2014 में बीजेपी को जीत हासिल हुई और 3 सितंबर 2017 को रक्षा मंत्री का पद पाकर निर्मला सीतारमण ने बतौर महिला नेता इतिहास रचा। मई 2019 में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। अपने अनुभव और ज्ञान की वजह से निर्मला सीतारमण का नाम विश्व जगत की जानी मानी महिलाओं में शुमार हुआ है। निर्मला सीतारमण उन महिला नेताओं में से एक हैं जो बेहद कम समय में राजनीति के शिखर पर पहुंची हैं। बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने कड़ी चुनौतियों का सामना किया। मजबूत इरादों वाली निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का डटकर सामना किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को ऐसे वक्त में केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं, जब सेंसेक्स में ऐतिहासिक उछाल से निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा और बढ़ा है। लग रहा है कि देश की इकोनॉमी कोरोना वायरस महामारी के झटके से बाहर निकल रही है। ऐसे में वित्त मंत्री की ओर से बजट में की जाने वाली घोषणाएं अगले वित्त वर्ष में इकोनॉमिक रिकवरी और उसके विकास की दिशा तय करेगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।